तो आगे आप लोग हेडिंग डालिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की जो टर्म्स में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेजर करें या समझाएं आपको, तो उसको बोलते हैं केपी। अगर केसी लिखा हुआ है तो वो कंसंट्रेशन की टर्म्स है। केसी लिखा हुआ है तो क्या है वो? इशू बेटा, दोबारा मत बोलियो। केपी लिखा हुआ है तो क्या है वो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ। अच्छा एक बार बताओ, केसी और केपी लिखना है सेम रिएक्शन के लिए लिखना है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां पे एक रिएक्शन लिख दी ए प्लस बी टू गिव्स सी प्लस डी, और इनके आगे कुछ मैंने पावर्स लगा देता हूं। जैसे यहां पे लगा देता हूं मैं एक्स, यहां पे वाई, यहां पे एम लगा दिया, यहां पे एन लगा दिया। तो इसके लिए केसी लिख लोगे आप लोग, क्या आएगा बताओ? ये केसी है या केपी है ये बताओ। केपी में कंसंट्रेशन नहीं आता है, प्रेशर आता है। क्या आता है? नाउ केपी इक्वल्स टू, मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट का ही लिखेंगे पहले ऊपर, जैसे उसमें लिखते थे। तो क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ सी, सी क्या है? प्रोडक्ट है, उसकी कुछ पावर जो कि क्या है? एक्स। अच्छा एक और बात बताओ मुझे, प्रेशर ऑफ डी उसकी पावर क्या आएगी? वाई डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर एन, प्रेशर ऑफ बी की पावर एन। अब ये एम, सॉरी, अब ये सेम ही रिएक्शन है कि एन ए प्लस एम बी, लिखते भी रहो साथ साथ, कुछ ज्यादा समझना नहीं है। एक्स सी वाई डी, ये रिएक्शन दे रखी है। अब इसका मुझे केसी लिखना है, तो केसी तो आसान है लिखना, केसी हम पहले भी सीख चुके हैं, क्वेश्चंस भी हमने किए हैं बहुत अच्छे। क्या आएगा केसी बताओ मुझे? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उनकी कुछ पावर, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उनकी कुछ पावर। वो कुछ भी हो सकती है, अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग होगी। तो हमें बस केपी जो है वो ऐसे लिख देना है। केपी समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और केसी क्या है? इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। प्यारे बच्चों हमें केपी और केसी का रिलेशन निकालना है, तो केपी और केसी का रिलेशन निकालेंगे इसी इक्वेशन के लिए कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी के लिए सबसे पहले मैं यही रिएक्शन लिखूंगा। रिएक्शन क्या थी हमारे पास? एन ए प्लस एम बी डबल एरो एक्स सी वाई डी, ये कुछ भी हो सकता है रैंडमली। क्या यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? अब मुझे एक बात बताइए, एक ना हमने ना स्टेट्स ऑफ मैटर तो खैर हमारे सिलेबस से हट भी गया है, लेकिन हमें एक इक्वेशन पता है जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या नाम है? क्या है वो आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल्स टू एनआईटी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ये आप लोगों को पता है। आपको यह भी पता होगा कि अगर मुझे यहां से प्रेशर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये एन आर टी अपॉन वी। ये एन किस चिड़िया का नाम था और वी किसका नाम था? यार मैंने ना इस फॉर्मूले को कहीं तो देखा है, एन जिसको हम मोल बोलते हैं और वी जिसको हम बोलते हैं क्या? वॉल्यूम, और वो लीटर में होना चाहिए, है ना? मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी क्या थी? कंसंट्रेशन। मोलैरिटी क्या थी? पढ़ रखा है हमने, तो हम यहां पे लिखेंगे पी ब्रैकेट में एन और वी को ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं। ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब समझ गए कि ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको? ये एन अपॉन बी, नहीं समझ में आया तो ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मल्टीप्लाई में कौन है बेटा? आर और टी, ये किसका फॉर्मूला आ गया?
अच्छा एक बात बताओ, मुझे अगर प्रेशर लिखना है, मेरे पास ए ये भी गैस स्टेट में है, ध्यान देना, बी ये भी गैस स्टेट में है, सी ये भी गैस स्टेट में है, डी ये भी गैस स्टेट में है, सब गैस में है, यहां पे जो गैस में नहीं होगा उसका तो प्रेशर होगा ही नहीं, उसका प्रेशर आपको लेना ही नहीं है। यहां पे सारे प्रेशर, ये जो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सब गैसियस स्टेट में है। नाउ टेल मी कि जो प्रेशर ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, पहले तो मुझे बताओ, गैस स्टेट में है ना, तो प्रेशर ऑफ ए होगा, क्या होगा प्रेशर का, हमने ये फॉर्मूला निकाला है लास्ट वाला, प्रेशर इक्वल टू ब्रैकेट में कंसंट्रेशन आर टी, तो मुझे किसका प्रेशर निकालना है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए और आर टी, सिंपल है, आसान है। अच्छा एक और बात, ये जो पी है और ये जो ए है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सफिक्स में छोटा सा इतू सा इसलिए लिखा है कि वो रिप्रेजेंट कर सके कि ये प्रेशर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई है? अगर मुझे एक बात छोटी सी किसी ने पूछी कि यहां पर मैं लिख दू पी वी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर ऑफ बी, क्या इक्वल आएगा जल्दी बता, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। अगर मुझे प्रेशर ऑफ सी लिखना है तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ डी के लिए क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ डी के लिए क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। क्या ये बात मुझे समझ में आ गई है कि नहीं आई है? अरे हाँ कि ना यार, लिखो फटाफट से इसे, जल्दी करो। क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि बोलते हैं हम केपी, केपी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो प्रेशर की टर्म्स में, डन हो गए यहां पर। क्या ये हो गया यहां तक? ये सारा डाटा आप पुट करिए केपी के फॉर्मूले में, केपी आप समझते हैं आप लोग? हां जी बताओ बताओ, केपी समझते हैं क्या आप लोग? केपी के फॉर्मूले में पुट करिए सारा डाटा, जल्दी करो। केपी बताओ क्या था, अभी लिखा है ना मैंने पीछे, केपी इक्वल टू ऊपर क्या है यहां पे, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ सी को हम क्या लिखेंगे बता, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। अच्छा इनकी कुछ पावर भी लगानी है क्या यार, क्या थी सी की पावर, एक्स, तो सिर्फ सी की लगेगी, आर और टी की भी लग जाएगी, दोनों की लगेगी ऑब्वियसली, इसके साइड में ही कौन था हैं, डी, तो क्या लिखूंगा यहां पे, कंसंट्रेशन ऑफ डी, और क्या लिखा हुआ था, आर टी। क्या कोई पावर लगेगी इनकी, इनकी पावर y लग जाएगी, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, और ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी विद सम पावर, विद रेस टू द सम स्टोइकोमेट्रिक पावर है जी, इसका क्या था n और इसकी थी m, कुछ भी हो सकता है ना, ये आर टी वाले एक तरफ करो सारे, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, एड। चलिए बताइए मुझे क्या होगा यहां पे, केपी इज इक्वल्स टू सी की पावर एक्स, डी की पावर वाई, डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, बी की पावर एम, ठीक है, ऊपर क्या बचा बोल, आर टी की, अच्छा बेस सेम है पावर एड हो गई, ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, एक ये हो गया, डिवाइड में नीचे भी है आर टी, नीचे भी है ना m प्लस एन, ये भी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये भी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं,
सेम ही आएगा ना। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाती है? अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएंगी, डिवाइड में है तो। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं क्या करूं? ये मुझे कहीं देखा देखा लग रहा है इतना पार्ट, ये जो ये किसके इक्वल है? केसी के। लिख सकते हैं यहां पे, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? केसी। तो केपी किसके इक्वल आ गया बेटा? सिर्फ केसी के या आरटी भी है? आरटी की पावर क्या है बोलो? एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में माइनस एम प्लस एन एक ब्रैकेट में। अरे हां कि ना? अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, इसका एक नया फॉर्मूला निकाल दिया मैंने, जो कि होगा केपी इज इक्वल्स टू के सी और आर टी, इसकी जो पावर लगाऊंगा आर टी की पावर, उसको हम लिखेंगे डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी निकाला है, डेल्टा एन जी याद आया कहीं तो निकाला था, कहां पे निकाला था? प्रोडक्ट के स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो गैसियस स्टेट में होने चाहिए, ये हमने पढ़ा था कहां पे? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 6 5-10 साल पहले, है ना? वेरी गुड। तो डेल्टा एन जी क्या किसके इक्वल रख दिया मैंने बेटा? ये जो डेल्टा एन जी लिखा है वो बेसिकली किसके इक्वल है? एक्स प्लस वाई माइनस एम प्लस एन। क्या कोई न्यूमेरिकल करने के लिए हर बार ये सोल्व करना पड़ेगा या फिर आप सीधा डेल्टा एन जी निकालोगे? डेल्टा एन जी निकालोगे। ये फॉर्मूला याद रहेगा तुम लोगों को, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द केपी एंड केसी, याद रहेगी ये बात, जल्दी नोट डाउन करिए और उसके बाद एक लाइन लिख लेना। अच्छा इसमें है ना आर है, आर को जानते हो आप लोग? क्या होता है आर बताओ मुझे? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, वेरी गुड। इसी के नीचे लिख लेंगे हम साइड में, केपी केसी तुम्हें पता ही है। आर जो है वो हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, और याद रखना यहां, अच्छा क्या वैल्यू होती है बताओ मुझे? ना मुन्ना, यहां गलती मत करना, वो जूल वाली है। कौन सी वाली है वो? यहां पे केपी कूपी है, प्रेशर वाला खेला है, तो 8.314 नहीं 0.082 लीटर पर एटमोस्फेयर पर केल्विन के नियर अबाउट आ जाएगी, पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू है आर की, लीटर एटमोस्फेयर आएगा पर मोल पर केल्विन। एटमोस्फेयर इनवर्स भी नहीं है इसकी यूनिट, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केल्विन ये वैल्यू है। अगर ये वैल्यू, और देखो दोनों ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी, इसको हम अपनी भाषा में 1/12 लिख सकते हैं, खत्म, 1/12 याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा आगे बढ़ते, टी क्या है हमारा? टी फॉर टेम्परेचर, और पता है कितना होना चाहिए टेम्परेचर? 300 केल्विन में होना चाहिए, सेल्सियस में नहीं, केल्विन में होना चाहिए। चलो एक कंडीशंस लेते हैं ज्यादा समझ में आएगा। केपी केसी का रिलेशन याद हो गया आप लोगों को, इसमें केस नंबर 1 डालिए आप लोग, कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन को करते हुए आपने डेल्टा एन जी निकाला और उसकी वैल्यू आ गई 0, तो आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। इस डेल्टा एन जी की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करिए जो आपने ड्राइव किया है। ड्राइव क्या क्या है बेटा? केपी इज इक्वल्स टू के सी, वेरी गुड, आर टी, बहुत बढ़िया, की पावर डेल्टा एन जी, यही फॉर्मूला होता था। डेल्टा एन जी की जगह मैंने क्या रख दिया? तुम कहोगे ऐसे कैसे, हम मान ले एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ना जिसमें ये चीज हुई है। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है 2HI गैस डबल एरो H2 गैस प्लस I2 गैस। प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, क्या इस रिएक्शन के लिए यू आर कैपेबल टू कैलकुलेट द डेल्टा एन जी? यस और नो? सो यू हैव टू बी कैलकुलेटेड द डेल्टा एन जी वैल्यू फॉर दिस प्रोडक्ट की स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस, लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर हर क्वेश्चन के लिए, हर एलिमेंट के लिए आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दे, तो क्या करना होता है? रिएक्टेंट की कंबशन एंथैल्पी माइनस
प्रोडक्ट की कंबशन एंथैल्पी। तेजल ने यही गलती करी थी इसलिए इसके नंबर कटे थे। खैर मुद्दे पे वापस आते हैं, ये गैस स्टेट में है, यहां पे डेल्टा एनजी हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तुम लोग वो गलती मत करना। क्या हो गया, सदमे में क्यों हो गए तुम सब एकदम से? एक प्लस एक दो माइनस, ये गैस में है ना यार, ये भी गैस में है, दो माइनस दो। ये वो एग्जांपल है जिसमें डेल्टा एनजी जीरो आया, और जब डेल्टा एनजी जीरो आया तो हमने आर और टी दोनों को ब्रैकेट में लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि आर की अलग लगा दो और टी की अलग लगा दो, दोनों की एक ही पावर लगाओ ताकि जिसकी पावर भी जीरो हो वो कितना होता है वन। तो इसका मतलब केपी किसके इक्वल आ गया प्यारे, केसी के। इस केस में केपी और केसी दोनों क्या होंगे, बराबर का बराबर होंगे। जल्दी से करो फटाफट से, एक और एग्जांपल दूं उसके लिए आप कैलकुलेट करना फटाफट से, जल्दी बताओ मुझे। लिख लिया आप लोगों ने, ये वेरी गुड, इसके लिए जल्दी से बता मुझे फटाफट से। प्यारा बच्चा है, किसी को मत बताइयो कि तुझे आ गया है, जल्दी कर बताओ इसके लिए कितना आएगा, क्या जीरो डेल्टा एन जी जीरो आएगा। अब मैं तुम लोगों से यह पूछना चाह रहा था कि यहां पे डेल्टा एन जी जीरो आया, कोई बात नहीं, क्या इनकी जो वैल्यू होगी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एक बात ध्यान रखना, यूनिट होती है बट डायमेंशन लेस है ये। दूसरी बड़ी बात मुझे एक बात बताओ कि क्या इनकी जो यूनिट है वो भी सेम होगी या न्यूमेरिकल नंबर सेम है सिर्फ? न्यूमेरिकल नंबर सेम है, क्योंकि केपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, केसी इन टर्म्स ऑफ, नाउ चेक इट आउट, ये सब बकवास की बातें, ये सब बकवास की बातें क्यों है मैं बताता हूं। एक काम करता हूं, यहां पे इस छोटे से बॉक्स में केपी केसी निकालता हूं मैं, मेरी हेल्प करना, केसी बताओ मुझे क्या आएगा। केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन में, बोलना यार प्रोडक्ट अपॉन में, तो केसी की क्या आएगी यहां पर, एच टू आई टू, कंसेंट्रेशन क्या आएगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और नीचे मोल पर लीटर, कट गया, ये कट गया ना, तो कोई यूनिट नो यूनिट आई है। प्रेशर में भी सेम कहानी होगी, एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर डिवाइडेड बाय एटमोस्फेयर का उसके सेम हो गया, तो कोई यूनिट नहीं आएगी। लिख लीजिए इस बात को कि यहां पे कोई यूनिट नहीं आएगी, नो यूनिट। इसमें लिख लेना इन दिस केस केपी एंड केसी, केपी की भी कोई यूनिट नहीं आएगी दोनों केसेस में, इन दिस केस केपी एंड केसी यूनिटलेस, वेरी गुड परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन, केस नंबर टू। प्यारे बच्चों केस नंबर टू जो है हमारा, इस केस में डेल्टा एनजी ना ग्रेटर देन है जीरो, मतलब ग्रेटर देन का क्या मतलब हो गया जीरो का, डेल्टा एनजी क्या है हमारा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कब आएगा, जब किसके मोल्स ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट के, किससे रिएक्टेंट से, बहुत बढ़िया। और हम ये मोल्स देख किसके रहे हैं प्यारे बच्चों, गैसियस के, सॉलिड लिक्विड वाले का कोई चक्करबाजी नहीं। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आता है, इसके लिए आप लोग लिख रहे हैं ना मेरे साथ साथ, कोई मेरे पीछे तो नहीं, जल्दी करो। PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, बहुत ही बच्चा अच्छा है, इसके लिए तो ये डेल्टा एनजी निकाल ही लेगा। कितना आया वैसे इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा एनजी, वन आया, पक्का वन आया, देख ले एक बार और चेक कर ले, देख मैं तुझसे दोबारा बोल रहा हूं कि एक बार और देख ले, पक्का देख, एक ही आया है क्या, सभी बच्चे यही कंफर्म कर रहे हैं, आवाज मुझे कम लग रही है, ये धीमी धीमी आवाज कुछ और ही कह दे कि इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, छपाई में लगे हुए हैं। कितनी आई है इसकी वैल्यू, एक आई है जो कि ग्रेटर देन है किससे, तो इसका मतलब ये होगा कि केपी बड़ा होगा किससे, केसी से, खत्म कहानी। केपी बड़ा होगा किससे, और इसकी वैल्यू आई कितनी है, वन आई, वन। अब एक बात बताओ, यूनिट निकाले,
देखो मैं पहले यूनिट बता दूं तुम्हें, फिर तुम निकालना। केसी की यूनिट आएगी मोल पर लीटर और केपी की यूनिट आएगी एटमॉस्फेयर। मैंने रटा नहीं मारा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो लॉजिक, प्रोडक्ट अपॉन में, प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, समझो बात को, कितनी चीजें हैं, एक डिवाइड में है, एक मोल पर लीटर, एक मोल पर लीटर, क्या बच गया? अच्छा समझो, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? वन। तो मोल पर लीटर की पावर वन लगा देना, खत्म। प्रेशर में भी एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर डिवाइडेड बाय एक एटमोस्फेयर से एक एटमोस्फेयर, एक एटीएम बच गया। अगर इसकी, अच्छा सुनो, डेल्टा एनजी की पावर अगर दो आती तो क्या करते? देखो इसमें कितना आएगा, इसमें डेल्टा एनजी बताओ यार, प्लस का माइनस का। अब मैं यूनिट बता दूं तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, केपी बड़ा होगा केसी बड़ा होगा? केपी बड़ा होगा। अच्छा आप यूनिट बताओ, केपी की यूनिट हो गई एटमोस्फेयर स्क्वायर और केसी की यूनिट हो गई मोल पर लीटर का स्क्वायर, यानी जो भी डेल्टा एनजी आए वो उनकी यूनिट्स में लगा देना। आ गया यूनिट? अरे हाँ कि ना यार, पक्का यूनिट निकाल लोगे? चलो जल्दी करो, फिर करो, लिखना पड़ेगा सर, जल्दी करो। केस नंबर दो कराया मैंने, क्या कह रहा है? बोलो। देखो मैं बता दूं तुम्हें, केसी की यूनिट के लिए ना मोल की जो भी पावर आए, मोल पर लीटर लिखना, उसकी पावर लगा देना, वन आई तो वन लगा दिया। एटमॉस्फेयर लिखना इसमें केपी में, उसकी पावर वन लगा देना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? केस नंबर थ्री बताओ क्या होगा, तुम बताओ मुझे अब। केस नंबर थ्री में, वेरी गुड, केस नंबर थ्री में प्यारा बच्चा बोला कि डेल्टा एनजी लेस देन जीरो, इसका क्या तात्पर्य है? नेगेटिव आएगी, बहुत बढ़िया, डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और इसका और क्या मीनिंग है? रिएक्टेंट के मोल्स, गैसियस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले जो मोल्स हैं वो ज्यादा होंगे किससे? प्रोडक्ट से। और क्या मतलब होगा? केसी बड़ा है इस बार, केपी इस बार कैसा निकला? छोटू सा है ना, जल्दी करो। नहीं हुआ, एक एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, इसका क्या आया डेल्टा एनजी? लिखना उल्टा हो गया अब तो, डेल्टा एनजी क्या आया? माइनस दो। केपी छोटा है किससे? केसी से। यूनिट क्या आई होगी केपी की? एटमॉस्फेयर लिखा और पावर क्या लगा दी जो डेल्टा एनजी आई है? माइनस टू, वेरी गुड। एंड केसी इज मोल पर लीटर, इसकी पावर भी माइनस टू। यूनिट सॉल्व करिए, देखिए केपी की यूनिट सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि ये तो आ गया, क्या आया? एटमॉस्फेयर माइनस टू। लेकिन केसी की यूनिट सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। कैसे? मोल की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस टू। लीटर की पावर माइनस वन और माइनस टू मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया? प्लस का टू, वेरी गुड। तो ये केसी की यूनिट आ गई, केसी की यूनिट निकालनी आ गई, केपी की यूनिट निकालनी आ गई। इंटेलिजेंट हो गए हो तुम सब। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, उसके लिए आप यूनिट, कंडीशंस, केस नंबर सब बताना। जैसे ये रिएक्शन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में मुझे बताइए डेल्टा एनजी कितना है, यूनिट क्या है? माइनस वन डेल्टा एनजी, वेरी गुड। कॉपी में करो फटाफट से, डेल्टा एनजी आ गया, केपी की यूनिट आ गई, केसी की यूनिट आ गई, जल्दी करो। रह गया, अरे डन हो गया क्या? नीचे वाली रिएक्शन के लिए डन हुआ क्या?
नहीं हुआ। अरे मुश्किल काम है क्या यार ये, इसके लिए डेल्टा एनजी कितना निकाला तुमने? हाँ तो माइनस वन का मतलब केपी लेस देन है किससे, और अगर ऐसा है तो केपी की यूनिट क्या है? एटमोस्फेयर इनवर्स। केसी की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। मोल इनवर्स ये प्लस का हो गया, पावर लगाओगे ना? अरे हाँ कि ना यार। चलो मुझे एक कंडीशन बताओ जिसमें केपी केसी के बराबर था, जल्दी बताओ। अब मैं एक और कंडीशन, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग, क्वेश्चन ही मान लो ठीक है, या कुछ भी मान लो। कब केपी केसी के इक्वल होगा? मेरी तो सुन लो, लेकिन इस कंडीशन में आप डेल्टा एनजी को जीरो नहीं रख सकते। तौबा तौबा तौबा, डेल्टा एनजी जीरो नहीं होगा। देखो इस प्यारे बच्चे ने बोला के, जो भी बोला अच्छा बोला, केपी इक्वल टू के सी आर टी, डेल्टा एनजी होता है यहां पे। अब ये क्या कह रहा है कि डेल्टा एनजी को क्या कर दो, वन कर दो। तो वन करूंगा तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे? जो वैल्यू केपी की होगी वो केसी की नहीं होगी ना, केसी में तो मल्टीप्लाई होके तब वैल्यू आएगी। यानी कि अगर डेल्टा एनजी वन आया तो पता है कौन सा केस लग गया? केस नंबर दो, जिसमें डेल्टा एनजी ग्रेटर देन हो गया किससे? जीरो से। दैट मींस केपी ग्रेटर देन हो गया किससे? तो ये वाली कहानी तो फेल हो गई है जी। आरटी तो कॉन्स्टेंट ही रहता है, टी ट्वेल्व रहेगा परफेक्ट। इसलिए क्लैपिंग करो भाई, बहुत बढ़िया। अरे करो जरा, करो तेज आवाज आनी चाहिए। टी ट्वेल्व होगा, ये सोचनी है तुम्हारी, कैसे लगाया इसने दिमाग। देखो देखो मान लेते हैं, देखो अब चला दिमाग, डेल्टा एनजी की वैल्यू कुछ भी है, नॉन जीरो है, प्लस की माइनस की कुछ भी है। अब इसने बोला कि टी को कितना रखना है हमें, 12, वेरी गुड। आर की वैल्यू मैंने बताई थी तुम्हें कितनी, 1/12। टी की वैल्यू कितनी, 12, 12 से 12 कट गया। जब कट गया तो क्या बचा, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, प्लस में माइनस में जीरो कुछ भी हो, हमेशा कितना आएगा, 1। यानी केपी किसके इक्वल आ जाएगा, केसी के, समझे ना? तो बहुत इंटेलिजेंट दिमाग लगाया इसने, लेकिन तुम लोग ये सोच नहीं पाए, ऐसे जलते रहोगे। केस नंबर 4 बेटा, व्हेन केपी इक्वल टू केसी, इफ डेल्टा एनजी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस आर इज इक्वल टू 1/t, आर इज इक्वल टू 1/t। जब r किसके इक्वल हो जाए, 1/t के इक्वल हो जाए, या फिर इसे तुम जो भी कहना चाहो 1/12 केल्विन के इक्वल हो जाए, दोनों वैल्यू सेम है तभी तो कटेगी। ओके नाउ केपी इक्वल्स टू केसी r इनटू r की जगह, अच्छा मैं पहले फॉर्मल लिखो या सीधा रख दो, अब समझ में आ गया ना तुम लोगों को? तो यहां पे r की जगह मुझे क्या रखना है, 1/t। r हो गया, ये r है, 12 नहीं लिख रहा हूं मैं, 12 ऐसे नंबर ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इनटू में टी, और डेल्टा एनजी की वैल्यू कुछ भी हो, एनी वैल्यू, कैसे भी वैल्यू हो, टी से टी कैंसल हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही रहता है। तो केपी किसके इक्वल आ गया, केसी के। तो केपी और केसी दो केस में इक्वल्स होते हैं, एक जब डेल्टा एनजी जीरो हो, दूसरा जब आर और टी एक दूसरे के रेसिप्रोकल इक्वल्स। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे केपी हो, देखो सुनो ओए नालायको, जो फैक्टर्स मैंने कल पढ़ाए थे कि रिएक्शन को रिवर्स करने से उसकी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, मल्टीप्लाई करने पर वो उसकी पावर आ जाती है, ये सारा फैक्टर केपी पे भी वैसे ही अप्लाई होगा जैसे केसी पे हो रहा था। बात समझ में आ गई, नाम चेंज हुआ और कुछ भी नहीं। और जो मैं एप्लीकेशन लिखवा रहा हूं ये केपी केसी दोनों के लिए है। लिखेंगे हायर द वैल्यू ऑफ केपी
या के सी कुछ भी लिख लेना, हायर द वैल्यू ऑफ के, के इज व्हाट, इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ के दैट मींस ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। और इसी का दूसरा एप्लीकेशन, इसी की उल्टी बात है कि अगर के की वैल्यू कम होगी तो स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी, उल्टा होगा। डन, लिख लो सेकेंड पॉइंट, लोअर द वैल्यू ऑफ के, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, या फिर लेस इज द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। एक ही बात है, एक चीज स्टेबल, एक चीज कम स्टेबल। आप लोग इस बात को समझिए। एक कंडीशन लिखिए, इस कंडीशन में प्यारे बच्चों, इफ, सुन रहे हो मेरी बात, इफ मोल ऑफ दी, लिखिए क्वेश्चन में, इफ मोल ऑफ दी, इफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट एंड लिखना और मत लिखना, एंड प्रोडक्ट गिवन इन द क्वेश्चन, मोल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन इन द क्वेश्चन, देन केपी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, केपी इज कैलकुलेटेड with the help of partial pressure, with the help of partial pressure। अब ये partial pressure किस चिड़िया का नाम, देखिए प्यारे बच्चों, partial pressure का एक formula है, वो याद कर लेना है आपको, पिछले chapter में तो chapter ही हट गया, but इसका concept यहां पर use हो रहा है। इसका एक फॉर्मूला है, मोल अपॉन टोटल मोल। एक मिनट, ये फॉर्मूला मैंने कहीं तो पढ़ा था, मोल अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन, वेरी गुड, इनटू टोटल प्रेशर, ये फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर का, स्टेट्स ऑफ मैटर में है ये फॉर्मूला, डाल्टन्स ने लिया दिया था। तो पार्शियल प्रेशर को हम P लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या बता रहे हो तुम सब, मैं नहीं बता रहा हूं, मोल फ्रैक्शन काई। अरे वाह, कितना अच्छा है भाई, टोटल प्रेशर, इसको हम पी टी लिख देते हैं। मान लेते हैं एक एलिमेंट है A, क्या है एक एलिमेंट A, के लिए हमें पार्शियल प्रेशर निकालना था, तो सिंबल क्या हो जाएगा, PA, भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मतलब क्या बताया था अभी, काई इनटू में टोटल प्रेशर, किसका सिंबल हो गया, PT का। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, यहां पे मोल किसका आने वाला है, A का, और टोटल मोल तो मैं जोड़ के बता ही दूंगा तुम्हें, तो ये न्यूमेरिकल में यूज होगा प्यारे बच्चों, इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक क्वेश्चन लिखो, एट 527 डिग्री सेल्सियस, एट 527 डिग्री सेल्सियस the value of kc is 4, the value of kc is 4 for the reaction, reaction board pe hai, प्यारे बच्चों इस रिएक्शन के लिए ना हमें केसी दे दिया है, हमसे पूछ ये
केपी रहा है, क्या पूछ रहा है, कितना वक्त लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, मैं तो भूल भी गया केपी का फॉर्मूला। के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी, वेरी गुड। क्या मुझे केपी निकालने के लिए जिधर जितनी चीजें सब मालूम है या कुछ चीजें मालूम है? कर फटाफट जल्दी कर दे, फिर सब पता है तो मेरे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जल्दी कर देखते हैं, जल्दी कर जल्दी। कितना आया? डेल्टा एनजी ही नहीं निकाला पहला, डेल्टा एनजी आंसर बताया 266, वेरी गुड। डेल्टा एनजी कितना है वैसे, कैसे? प्रोडक्ट में 1/2 प्लस 3/2 माइनस 1, दैट इज 1, वेरी गुड। दैट मींस केपी बढ़ाएगा। आर की वैल्यू क्या रखी है तुमने? 1/12, बहुत बढ़िया। टी कितना रखा है? 527 था ना, अच्छा। ये कन्वर्ट भी करना होता है, ये बच्चे करे नहीं, इन्होंने ऐसे ही कर दिया, बताओ। 800 केल्विन भूल गए हो गए ना, ये तो थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, क्या बात है, फिर तो बोर्ड से छपाई चलेगी ही। के पी इक्वल्स टू, केसी की जगह हमें रखना है वैल्यू जो की है 4, 4 की पावर में लगा दू ना, अच्छा पावर 1 है कोई फर्क, आर की वैल्यू सीधा हम रख रहे हैं, देखो रखना आपको 0.082 है, अगर 0.082 रखोगे तो वो आएगा एटमोस्फेयर में, 0.083 रखोगे तो वो आएगा बार में, बार और एटमोस्फेयर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, प्रेशर की दोनों यूनिट्स होती हैं, तो कंफ्यूज मत होना। टेम्परेचर इज 800, रेज्ड पावर इज 1, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो 4 की टेबल में ये 12 जो है वो 3 पे आएगा, और 3 से 800 काटने के बाद प्यारा बच्चा 2.66 के नियर अबाउट। क्या ये आंसर के नंबर मिलेंगे मुझे? तो कैसे मिलेंगे, यूनिट लगा के, तो यूनिट क्या है इसकी? एटमोस्फेयर, क्योंकि आर की वैल्यू जो रखी थी वो एटीएम वाली रखी थी, और डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आई थी, नहीं आया तो फिर सॉल्व कर लेना, वो पावर लगा देना यूनिट आ जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन लो, मजेदार क्वेश्चन है हमारे पास, एक अच्छा सा और प्यारा सा छोटू सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर निकालना, लिख लो क्वेश्चन, मैंने बता दिया तुम्हें, क्वेश्चन में क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर समझते हैं आप लोग, तो वो निकालना, निकालो फिर। आपको मैंने केपी और केसी, केपी की यूनिट है एटमोस्फेयर और कंसंट्रेशन एम, एम बोले तो मोलैरिटी, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, मोल पर लीटर होता है पर कहीं कहीं पे ये कैपिटल एम भी लिख देते हैं, नटखट है ना ये, और इसकी वैल्यू इन्होंने 3 दे रखी है, बेटा मुंह बंद कर नहीं तो मक्खी चली जाएगी। अब मेरे को ये रिएक्शन भी दे रखी है SO2Cl2, ये गैस स्टेट में है, ये SO2 में कन्वर्ट हो रहा है और Cl2 में हो रहा है, टेम्परेचर निकालने के लिए बोला है, इतनी मेहनत करवाएंगे मुझसे, अब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कितने कितनी तरीके से ये करेंगे, बताओ कैसे कैसे, क्यों क्यों, कब कब, कहां कहां। 36 केल्विन, अरे वाह वेरी गुड, 36 केल्विन आया, देखा ये होती है कैलकुलेशन। आधे बच्चों ने तो अभी तक डेल्टा एनजी ही नहीं निकाला है। थर्टी सिक्स केल्विन, वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि अब तुम कर लोगे, है ना, हो जाएगा ना, प्रो बन चुके हो। कुछ और चीजें आपको सिखानी है लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, तो आप इसके जगह आप एक छोटे से कुछ नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस कर लो। ये भी कोई क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी ये कोई क्वेश्चंस होते हैं, हाँ जी बताओ बताओ। डिटरमाइन क्या निकालना है आपको,
और यहां पे केपी की वैल्यू जो दी इन्होंने वो बार में दी है। बार समझते हैं ना हम लोग, वो बार कौन सा बार, प्रेशर की यूनिट होती है ये। वन एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 0.987 बार के इक्वल होता है। खैर छोड़ो, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर प्रेशर की यूनिट में बार लिखा हुआ है तो आर की वैल्यू में बस इतना चेंज होगा कि ये 0.083 आ जाएगा, यहां पे यूनिट जो थी वही रहेगी। समझ में आई बात, 83 करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/12 किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को करने में हमें 1 घंटे का समय और लगेगा क्योंकि आप लोगों ने शुरू नहीं किया है ना, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्योंकि इसका डेल्टा एनजी निकालना भी बहुत मुश्किल काम, और डेल्टा एनजी अगर आ गया तो केसी निकालना तो नामुमकिन सा लगता है क्योंकि टेम्परेचर इन्होंने 1000 डिग्री सेल्सियस दे दिया जिसको हमें केल्विन में शायद ही कन्वर्ट करना। करो भाई, क्या कर रहे हो, कब तक अपने माथे को खुजाते रहोगे, पपड़ी के सिवा कुछ नहीं निकलेगा, अंदर ही है जो है। कितना वक्त लगाते हो तुमसे, आर की वैल्यू 0.083 या फिर 1/12 ही ले लेना, सब कुछ तो दिया हुआ है। बार में तब भी 0.0, बार का टेम्परेचर से क्या लेना देना, नहीं ना वो ऐसे ही रहेगा, तभी तो बताया था, अभी क्या बताया, आर की वैल्यू आ गई ना हमारी बार लीटर पर मोल पर केल्विन में, पहले एटमॉस्फेयर में होती है। आर की दो वैल्यू याद रखो ना, 0.0821 ये हमारा एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन होगा। करो ना, करने से होगा पाव। अच्छा इसका डेल्टा एनजी माइनस आया ना, प्रैंक हो गया ना तुम्हारे साथ। केपी इज 3.4 इज इक्वल टू केसी, यू हैव टू कैलकुलेट इट। यार यहां ध्यान दो, इतनी मेहनत करोगे, आरटी की पावर कितनी है, किसी की भी पावर अगर माइनस होती है तो वो डिवाइड में जाने के बाद प्लस में हो जाती। समझ में आई बात, नहीं आई तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3.4 इक्वल टू केसी अपॉन क्या, आरटी की पावर कितनी, 1। ऊपर कैसी थी, नीचे आने के बाद कितना मुश्किल था इसको उधर लाना है क्योंकि हमें क्या निकालना है, केसी। तो केसी इक्वल आएगा 3.4, आर की वैल्यू कितनी भाई, 1/12, किसी को पता नहीं चल रहा है, बाकी हमें वही वैल्यू पुट करनी है न्यूमेरिकल करते वक्त। टेम्परेचर कितना है, 1273, ये हमारी केसी की वैल्यू आ जाएगी। प्यारे बच्चों, नादान बच्चों, 12 का पहाड़ा आता है, 12 एकम 12, हां जी 12 1 12 06, समथिंग इज गॉन, छोड़ दो उसे। 3.4 और 106 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा केस ही आ जाएगा। कितना मुश्किल था, कितना स्ट्रगल भरा था ये कैलकुलेशन, और यूनिट क्या लगा रहे हैं हम तो भूल ही गए उस बात को, लीटर पर मोल, वेरी गुड, क्योंकि उसकी पावर आई थी ना माइनस में, तो वो पावर लगाएंगे तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस है जी 354.4, यही आया है लीटर पर मोल। ये वैल्यू किसकी है, केसी की। क्या इस प्रकार के सभी क्वेश्चन के काबिल हो चुके हो तुम, अरे हां कि ना, अच्छा ये है जी, ये भी तो आसान सा क्वेश्चन है, लिख लो जल्दी करो, घर भी तो जाना है, टाइम हो गया।
नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन लिखना नहीं है तुझे, रिएक्शन के बिना डेल्टा एनजी कर दिया तभी तेरे नंबर कटते हैं, राइटिंग गंदी कर रखी है तूने अपनी, कैसे मेहंदी लगाएगा तू आगे? कितना वक्त लगाओगे? अब तो चांद तारे सब दिख गए, करता क्यों नहीं? बोलना पड़ रहा है तुझे, घमंड तो नहीं हो गया? उठाइयो उसकी ने, यही आया है सभी केसी दे रखा, इस क्वेश्चन को करिए। मैं यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, जिसका हो जाए सिर्फ वही जा सकता है, बाकी सब यहीं रुकेंगे।